देखो दो काम समझो, पुण्य की और पाप की दो चीज़ें हैं, पुण्य और पाप। पुण्य और पाप में दो गलती होती हैं, एक तो पुण्य के परिणाम को अच्छा समझता है, एक गलती हो गई, एक गलती पक्की निर्णय हो गया। दूसरा पुण्य के उदय को अच्छा समझता है, दूसरी गलती। तीसरी गलती पुण्य पाप पर सच्चा भरोसा भी नहीं है, पुण्य पाप पे भरोसा भी नहीं है। अपन को क्या है, भरोसा तो है कर्तृत्व पे, लेकिन पुण्य को साइड में लगा के रखते हैं कि इसका भी कुछ हो तो लो 10 रुपये चढ़ा दो। नहीं तुम ये तुम्हें चाहिए बताओ, मंदिर में जो पैसा देते हो अरविंद जी दान वगैरह, इससे तुम करोड़पति बने हो कि फैक्ट्री में मेहनत करी उससे करोड़पति बने, बताओ? प्रश्न है मेरा, बताओ बताओ तुम करोड़पति कैसे बने हो? तुम्हें दोनों चीज़ों में से कौन सी ज़्यादा ताकतवर दिखती है, तुम्हारी मेहनत या तुम्हारे 10-5 रुपये गुल्लक में चढ़ाने की, कौन सी मेहनत है? मेहनत पक्का। तो ये 5 रुपये 10 रुपये 1000 रुपये 1,00,000 रुपये मंदिर में क्यों चढ़ाते हो, ये काय के लिए चढ़ाते हो, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक ही कारण है कि यार अगर पुण्य पुण्य होता है तो उससे भी दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं। समझ में आया? इसमें भी निपटाओ, क्योंकि अपन को तो सब ओर से समेटना है। हमें जिसको सलाम ठोकने को कहोगे सलाम ठोकेंगे, जिसको लात मारने को कहोगे लात मारेंगे। हमारा काम बनना चाहिए, हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। सुना होगा ये तुमने नेताओं का डायलॉग, हल में आया कि नहीं आया? तो अपन को सच में पूछो तो पुण्य पे भी भरोसा नहीं है। ये बच्चे अपने पुण्य से खाएंगे कमाएंगे चलेंगे, भरोसा नहीं? ये तो हम बोलते हैं अरे साहब इसका पुण्य काय का पुण्य, अंदर तो उसी की चिंता सता रही है रात और दिन, तुम तो उसी की चिंता में बैठे हो, बोलो काय की चिंता सता रही है? अरविंद जी बताओ कुछ, किसकी चिंता में डूबे हो? हैं आप देखोगे आपकी निर्भरता का बहुत 50% कारण पुण्य पाप पे भरोसा नहीं, इसलिए निर्भरता नहीं होती। 50% कह रहा हूँ, हाँ भरोसा नहीं बिल्कुल भी, ऐसा लगता मेरे करने से होगा सर, और मेरे करने से होगा तो बस वो रात और दिन मेहनत लगती है, बस और कोई कारण नहीं। नहीं तो हमें एक बताओ, ग्रस्त जीवन में थकावट क्या है? यही तो थकावट है कि वहाँ कर्तृत्व। देखो ग्रस्त और संन्यास क्या है? ग्रस्त माने जो घर बनाता नहीं है, जो घर को अपना मानता है। ग्रस्त माने जो घर में रहता है उसका नाम ग्रस्त नहीं, उस घर में रहता है और उसे अपना मानता है। और संन्यासी किसे कहते हैं? जो रहता तो घर में ही है लेकिन उसे अपना नहीं मानता। वही अंतर है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर है। एक बात बताओ, मुनिराज कोई धर्मशाला में नहीं रहते क्या? अगर मुनिराज भी तो धर्मशाला में रहते हैं, लेकिन मुनिराज धर्मशाला में धर्मशाला ही जैसे रहते हैं, वे उसे एक मिनट में छोड़ने को तैयार हैं। और हमने जो घर बनाया है मरते दम तक छोड़ने को तैयार नहीं है, और मेरे बेटे को मिलना चाहिए किसी और को नहीं मिलना चाहिए, अरे अपनी जायदाद का एक टुकड़ा भी किसी और को नहीं मिलना चाहिए। भले ही धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अंदर में जाके देखेंगे, और फिर इसे तुम नाम दे देते हो गृहस्थ है, चारित्र मोह का उदय है, ऐसा राग तो सम्यक दृष्टियों को भी आता है। अरे ये सब अपने को ठगने के उपाय हैं, अंदर जाके देखोगे तो सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, और ये बातें बनाना सीख लिया है।